बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं क्यूब चिकन मसाला। सबसे पहले हमने पैन के अंदर थोड़ा सा घी डालकर उसे गर्म कर लेना है। फिर हमने इसके अंदर प्याज डाल देना है और प्याज के साथ इधर हमने थोड़ी सी इसके अंदर शिमला मिर्च डालनी है। और फिर हमने इसे थोड़ी देर के लिए सोटे कर लेना है। बिल्कुल सिंपल और इजी सी रेसिपी है। अगर आपको आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल एक मेन अच्छे तरीके से रेसिपी भी बनाना चाहते हैं और टाइम भी नहीं है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ये आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरेगी। और अगर एकदम से मेहमान आ जाते हैं और फिर भी आप ये बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये बनने वाली है। और जी ये देखिए, ये इधर सोटे हो रहा है। इधर सोटे हो चुका है। फिर हमने इसके अंदर चिकन जो है वो डाल देना है। चिकन को पहले हमने अच्छे तरीके से धो लेना है, फिर डालना है। और इधर आप देखें, हमने ये चिकन बोनलेस है और इसकी बोटी जो है वो हमने बिल्कुल छोटी छोटी करवाई हुई है। और अभी हम चिकन का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और इधर चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अभी हमने इसके अंदर फिर से थोड़ी शिमला मिर्च डाल देनी है, धनिया डाल देना है, हरी मिर्च चॉप की हुई या बारीक कट की हुई डाल दें। फिर हमने इसके अंदर लाल मिर्च जो है वो डाल देनी है। तकरीबन 1 टीस्पून हमने डाली है इसके अंदर। नमक डाल देना है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अभी हम इसे पका लेते हैं अच्छे तरीके से। और जी ये इधर बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाते हैं। सो ये है इसकी डिश आउट करके फाइनल लुक। होप सो कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।